अंबेडकर नगर। राशन कोटा आवंटन में कोर्ट के आदेशों का जबरदस्त उल्लंघन। अंबेडकर नगर टांडा ग्राम आशोपुर में आज पंचायत भवन में ग्रामवासियों की उपस्थिति में कोटा आवंटन की खुली बोली बैठक में हजारों की संख्या में लोग आए थे। कोटा पिछड़ा वर्ग का होना था, बाद में अधिकारियों द्वारा समूह को प्रथम वरीयता की बात कही जाने लगी। अचानक बोली में आए लोग भड़क गए। पिछली बार की बैठक में भी यही विवाद था, जबकि लोगों ने हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा समूह को कोटे से बाहर रखने का शासन आदेश है और इस आदेश का प्रमाण प्रस्तुत किया। इसके बाद भी नोडल अधिकारी ने कोई बात नहीं सुनी और घंटों चली जबरदस्त बहस के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए अगली तिथि 28 दिसंबर को रखी गई है। बताते चले कि पिछले 3 वर्षों से राशन कोटा निरस्त चल रहा है, जिससे ग्रामवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारी अपनी मनमानी करने पर आमादा है। समूह की बात आपने नहीं किया, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आपने यही कहा था बैकवर्ड के लिए आरक्षित है। अब आज जब चुनाव का समय आ रहा है, कह रहे हैं समूह को वरीयता जाएगी, हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया, आप लोग हाईकोर्ट को नहीं मानते हो? हाईकोर्ट का आदेश दिखाइए, स्वयं देख लीजिए। तुरंत हमको प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंट आउट प्रिंट आउट निकलो अगला तो। अरे उसमें है, गाड़ी में रखी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामयज्ञ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आशोपुर बगिया के रहने वाले हैं। क्या मामला है? मामला यही है, कोटा का मामला है। और आज बुलाए थे, 10 बजे से सब लोग आए हैं, जनता परेशान है, अभी तक कर्मचारी नहीं आए हैं, सब लोग घर जाना चाहते हैं। तो ये बच गया तो क्या है? वोट पड़ेगा, वोट डालिए, जनता वोट डालेगा, हाथ उठाकर कोई काम नहीं होगा। बस क्या मामला है? कोटे का कम मामला यहाँ चल रहा है आज। किस ग्राम सभा का मामला है? ग्राम आटोपुर पश्चिमी द्वितीय, यहाँ दो कोटा है, पश्चिमी चुनाव होना है, जो कि सही सही अधिकारियों द्वारा कराया गया। कितने साल से यहाँ का कोटा निरस्त है? लगभग 3 साल से। 3 साल से क्या दिक्कतें हैं? यहाँ जो पूर्व कोटेदार थे वो घर तवले करते थे, इसलिए उनका कोटा निरस्त हो गया लॉकडाउन में। दूसरे कोटा का चयन अधिकारियों को मिली भगत नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत ये है, कभी कहते हैं कि ये समूह वाले का होगा, कभी कहते हैं बैकवर्ड का होगा, उसका कोई शासन आदेश नहीं देते हैं। गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन तो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया कि किसी जो किसी जहां बैकवर्ड वहां बैकवर्ड होगा, यहां एसटी सुरक्षित, वहां एसटी, जहां सामान है वहां सामान, लेकिन वहां समूह का कोटा नहीं चल पाएगा। यहाँ मौके पर क्या स्थिति? यहाँ मौके पर टीजीटी साहब ये कह रहे हैं कि पहले समूह हम बैठा देंगे मौखिक रूप से, उसका कोई शासन आदेश नहीं दिखा रहे हैं। तो ही नहीं रहा है। क्या है पूरा मामला? मामला कोटे का चुनाव है आशोपुर द्वितीय का, और यहाँ पे जो है पूरे आशोपुर की ग्रामीण जनता जुटी हुई है चुनाव के लिए। अभी तक जो है यहाँ पे नोडल अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया वो आए नहीं है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है 10 बजे से आकर। कितने दिनों से कोटा यहाँ का निरस्त है? ये यहाँ का कोटा जो है लॉकडाउन के पीरियड से जो है निरस्त चल रहा है, मार्च 21 से। नहीं, शासनादेश तो कोई नहीं दिखाए, गांव वाले बड़ा आक्रोशित थे और कोई जो है साइन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि कोई लिखित रूप में शासनादेश ला के जो है और क्या नाम है कोटे का चुनाव करें। कोटा कितने सालों से ले रखा? लगभग 3-4 साल से, 3 साल हो गया लगभग। गाँव वालों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर दूर से सब रिक्शे से और पैदल लेके आते हैं, राशन लेने जाते हैं। इसलिए आपके स्तर से क्या प्रयास किया जा रहा है? हम यही सोच रहे हैं कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय इस मामले को संज्ञान में लें और चुनाव जो है कोटे के विरोध में, मतलब समूह के विरोध में सब गांव वाले हैं, तो इस मामले को संज्ञान में लें, लिखित रूप से इसको जो है कोई शासन।